देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए ख़तरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। कल रात ही प्रियंका गांधी जी लखीमपुर के निकल गई और उसे डिटेन किया गया सीतापुर में। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? आप लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी आप रोक रहे हैं, लखनऊ जाने के लिए लोग रोक रहे हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये नागरिकों के अधिकार का सवाल है। और इस घटना में लोग क्या संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते? घटना की जानकारी लेने नहीं जा सकते? आप रोक रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है? सर, सीएम योगी का ये कहना है कि इस पे मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो हमेशा से स्टेटमेंट आता है, वो हर समय ऐसी कहते हैं। उसके बयान का कोई औचित्य नहीं है। जो कानून व्यवस्था के बात को लेकर सत्ता में आए थे, किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है ये पूरा देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। सर, इसमें जो एक मंत्री के बेटे की बात आ रही थी कि मंत्री के बेटे ने रौंदा है, कोई कार्यक्रम भी था वहाँ पे, तो मंत्री तो कहते हैं कि मेरा बेटा था ही नहीं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है और मतलब जांच करा ले। मतलब विपक्ष फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि मंत्री के बेटे नहीं थे तो विपक्ष जाने दीजिए। प्रियंका जी जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, और लोग जो जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं। जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और यदि आप सच हैं तो फिर रोक क्यों रहे हैं? सर, पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी बीच सर हरियाणा के जो सीएम है खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हर जगह में हजार हजार लोग वॉलेंटियर खड़े हो जाओ वॉलेंटियर, और किसानों को लाठियां भांजो, उनका इलाज करो। ये उनकी मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरे से जो नकाब है उतर गया है। ये असली चेहरा ये है कि लाठियां भांजो, गोलियां दागो, गाड़ियों से रौंद दो, आग लगा दो, ख़त्म कर दो। ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की चरित्र अब सामने आया है देश के। सर, आगे का क्या प्लान है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली जाऊँ, तो दिल्ली से फिर लखनऊ कुछ करने की कोशिश। अब दिल्ली पहले पहुँचे, उसके बाद फिर नेताओं से बात करके फिर आगे रणनीति बनाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।